नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीयू न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद वैस। लक्सर के फ्लाईओवर ब्रिज पर आए दिन आवारा पशुओं का डेरा हादसों को न्योता दे रहा है। कई बार दोपहिया वाहनों के जरिए आवाजाही करने वाले राहगीरों को इनकी वजह से चोटिल भी होना पड़ रहा है। वहीं नगर पालिका प्रशासन अनगिनत शिकायतों के बावजूद भी इन पर सबक लेने को तैयार नहीं है। हाल ही में तहसील दिवस कार्यक्रम के दौरान उप जिला मजिस्ट्रेट ने इसका संज्ञान लेते हुए निकाय विभाग को जमकर फटकार लगाई थी, मगर नगर पालिका परिषद प्रशासन पर इसका असर होता नजर नहीं आया। और फिर एक बार उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल ने इस मामले पर निकाय प्रशासन को सख्त हिदायत देते हुए इस पर समाधान किए जाने का निर्देश जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र की वैदिक गौशाला ट्रस्ट के संयोजक राजेश रस्तोगी ने कहा कि निकाय की इसी मक्कारी के कारण ही उन्हें अपनी निजी भूमि पर गौशाला निर्माण कर गौ सेवा आरम्भ की है। नगर पालिका क्षेत्र में फ्लाईओवर के नीचे नगर पालिका के द्वारा एक गौशाला बनाई है जो कदापि उचित नहीं है। वही जानवर दिन में फ्लाईओवर पर आ जाते हैं और उससे यातायात बाधित होता है और एक्सीडेंट होने की भी संभावना बनी हुई है। इस संबंध में ईओ को निर्देशित किया गया है कि तत्काल इस समस्या का समाधान करें, क्योंकि अभी जो पहले ईओ थे उनका ट्रांसफर हो गया है, तो नए ईओ आए हैं उनको मैंने निर्देशित कर दिया है कि तत्काल इसको जो समस्या है इसका निस्तारण करें और इस जो गौशाला फ्लाईओवर के नीचे बनाए है उसको उचित स्थान पर शिफ्ट करें, और यदि इसमें नगर पालिका के द्वारा इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो निश्चित रूप से नगर पालिका के विरुद्ध इसमें उचित कार्रवाई के लिए भी अग्रिम कार्रवाई इस स्तर से की जा सकती है।